कोरोना वायरस के महासंकट काल में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसे सिर्फ भारत नहीं पूरा विश्व जो है वो जूझता नजर आया। इस महामारी में कई परिवार तबाह हो गए तो कई बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। और तो और कोरोना वायरस से ग्रसित संक्रमितों को बचाने के लिए कई कोरोना योद्धाओं ने महासंकट काल में सबसे प्रथम पंक्ति में खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा की। फिर वो चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो या पुलिस महकमे के अधिकारी, सभी लोगों ने निस्वार्थ भाव से काम किया और इस महामारी के खिलाफ जो जंग लड़ी गई उसमें समर्पण भाव से अपना अहम योगदान दिया। साथ ही कोरोना काल में अपने माता पिता को खो देने के बावजूद कई ऐसे मेधावी छात्र हैं जिन्होंने अपना हौसला टूटने नहीं दिया और वो अपनी मंजिल की तरफ आज भी अग्रसर हैं। ऐसे बच्चों और कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए एकता मंच द्वारा मुंबई उपनगर के अंधेरी वर्सोवा इलाके में स्थित चिल्ड्रन वेलफेयर स्कूल में सम्मान समारोह का एक विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मान समारोह में करीब 25 लोगों को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया, जिनमें समाज सेवी, प्रशासनिक अधिकारी, मेधावी छात्र और दिव्यांग छात्र भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम की खासियत ये रही कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और कोरोना काल में मारे गए लोगों और शहीद हुए कोरोना योद्धाओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोरोना काल में लोगों की एकता और सहयोग की जमकर तारीफ की और कहा कि भारत में आपसी सहयोग और एकता की वजह से ही कोरोना जैसी घातक बीमारी को हम हराने में कामयाब हो पाए। साथ ही उन्होंने एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल द्वारा किए गए कार्यों की भी जमकर सराहना की। जिन लोगों ने जो शहीद हो गए, जो अपना शरीर खो बैठे, जो अपना जीवन गवा बैठे, ऐसे लोगों के बच्चों को हम में से अनेक लोगों ने पालने की कोशिश की, उनको सहयोग करने की कोशिश की है। मैं उनको भी कोरोना वीर ही मानता हूँ और आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि हमारे समाज में कहीं भी इस प्रकार के बच्चे हो, इस प्रकार के परिवार हो जिनको सहयोग की जरूरत है, तो निश्चित रूप से हम सबको सहयोग करना चाहिए। यदि मुझे भी किसी को कहने की जरूरत पड़े, आप मुझे बताइए कि आप इनके लिए कहीं से सहयोग करिए, मैं भी उसमें अपना कोशिश करूँगा। कि क्योंकि आजकल बहुत से ऐसा फंड है, दूसरा लोगों के पास चीजें है, पकड़ने की जरूरत है, हम कहाँ से कर सकते हैं ताकि ऐसे जरूरतमंदों को जिनको आवश्यकता है, जो वास्तव में नीडी है, ऐसे लोगों को हम सहयोग कर सकें, पुण्य कमा सकें। मुझे आप सब लोगों को इस अवसर पर आपको और आप सबके साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप हम सबको ये सत्य दें कि भविष्य में इस प्रकार के कोरोना जैसे, कोविड जैसा पेंडेमिक ना आए, आए भी तो हम मिलजुल करके एकता मंच के साथ, एकता के साथ मुकाबला कर सकें, जैसे सारा इस दर्शन काम कर सकें। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। 12 जो थे जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े थे, बीएमसी से जुड़े हुए अधिकारी थे, बाकी गवर्नमेंट एनजीओस गवर्नमेंट के अधिकारी थे। इस प्रकार से हमने 25 लोगों चुना था, जिनमें से 10 बच्चे थे जिनके जिन्होंने अपने पेरेंट्स खो दिए थे। इस और इस दुखद घड़ी में भी उन्होंने 75% के से ऊपर ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए, तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजित किया था। जिन लोगों ने